हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज नैना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डबल पेटीकोट पे नेट की साड़ी कैसे ड्रेप करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक पेटीकोट पहन रखा है, देन उसके बाद मैं एक ये दूसरा पेटीकोट पहन रही हूँ जो कि थोड़ा शिमरी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नेट की साड़ी से। जब ट्रांसपेरेंट जब ये दिखाई देता है तो देखने में हमारी साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमें इसे अच्छी तरह बांध लेना है ताकि जो दो पेटीकोट हो ज़्यादा मोटे ना लगे, यानी पेट की जगह से, और साड़ी भी परफेक्ट लगे। हमारे जो कमर एरिया है वो थोड़ा स्लिम लगे। पूरी तरह हमें अच्छे से सेट कर लेना है। देन अब ये मैं नेट की साड़ी पहन रही हूँ। वैसे ही हमें बेसिक साड़ी लपेट लेना है जैसे हम हर साड़ी में करते हैं, लेफ्ट साइड से। इसे भी हमें हमें नेट की साड़ी पहनना है तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पहनना पड़ता है क्योंकि नेट की साड़ी में सब कुछ इजीली दिखाई देता है। तो ये जो सामने के जो पोर्शन होता है उसे हमें अच्छे से ड्रेप। देन इसके बाद हमें लेना है पल्लू वाला पोर्शन, वो पहले से ही हमें उसका नाप लेके रख लेना है। मैं अभी प्लीट्स नहीं बनाऊंगी उसकी, मैं एंडिंग में बनाऊंगी उसकी प्लीट्स। घुटनों के नीचे तक हमें उसे पल्लू लंबा रखना है। मैंने पहले ही बताया था मेरे पहले वीडियो में कि जितना ज़्यादा लंबा पल्लू रखेंगे आप उतना ज़्यादा टॉल लगेंगी। देन उसके बाद में हमें ये वाला पोर्शन लेना है, आप देख रहे होंगे, उसे पूरी अच्छी तरह सेट कर लेना है। देन हर बार मतलब मैं बाकी इसमें बताई हूँ मैंने कि पिनअप करना है, लेकिन इस साड़ी में हमें पिनअप नहीं करना है। जैसे कि नेट की साड़ी में हम ज़्यादा पिनअप करते हैं तो वो फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसे मैं कम से कम पिन्स यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो मैंने अभी फ्रंट प्लीट्स बना ली है। देन हमें इधर का पोर्शन ऐसे ही छोड़ देना है और प्लीट्स हमें पूरी परफेक्ट कर लेना है पहले। देन इसके बाद हमें इसे टक कर लेना है। देन उसके बाद आप ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा मैं डिफरेंट बता रही हूँ। ये यहाँ से एक दो प्लीट्स हमें खींच लेना है, मतलब निकाल लेना है। देन उसके बाद में हमें प्लीट्स के नीचे से वही जो बचा हुआ पोर्शन है वो डाल के दूसरे साइड से हमें इसे निकाल लेना है और वहाँ पर हमें टक कर लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि हाँ, बाजू वाला साइड कितना अच्छा लग रहा है। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, इस बार हमें पिन से टक नहीं करना है। हमें पहले प्लीट्स बना लेना है। मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया था, एक वीडियो प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे बताया था कि नेट की साड़ी कैसे पहने और प्लीट्स कैसे बनाएं। तो आप अगर चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं कि प्लीट्स कैसे इजीली बनाएं। देन अभी हमें करना है अच्छे से टक कर लेना है, ये जो पूरी प्लीट्स बनाए हैं सेट कर लेना है पहले। एक एक पोर्शन में आना चाहिए तभी हमारी जो प्लीट्स है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने इसे सेट कर लिया है। अब वो जो साइड का फैब्रिक होता है उसे मतलब एक दो प्लीट्स निकाल लेना है और वो जो प्लीट्स वाला पोर्शन है उसके नीचे से निकाल कर हमें दूसरे साइड से उसे निकाल लेना है और इसे टक कर लेना है। यहाँ पे हम पिनअप भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये डेलिकेट होती है नेट की साड़ियाँ, तो ज़्यादा पिनअप करना अच्छा नहीं होता है। देन जो बचा वाला फैब्रिक है उसे अच्छे से अंदर डाल लेना है ताकि दिखाई ना दे पल्लू से, और साड़ी की जो प्लीट्स है वो भी अच्छे से सेट कर लेना है। देन ये हो गया साड़ी पहनना। अब आप इसे ऐसे खुला पल्लू भी रख सकते हैं या फिर इसे प्लीट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ब्लाउज़ पहन के बताऊँगी। अब आप देख सकते होंगे मैंने ब्लाउज़ पहन लिया है। टी शर्ट में उतना अच्छा समझ में नहीं आया कि मतलब साड़ी कैसे लग रही है, लेकिन ब्लाउज़ में पूरी तरह अच्छे से समझ में आ रहा है कि नेट की साड़ी जब पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये नेट साड़ी ड्रेपिंग आइडिया कैसा लगा, और आज मैंने जो नया आइडिया दिया है उस बारे में आप ज़रूर मुझे बताइए, और आप इसे ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मेरे नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक यू, और अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ उसे
सब्सक्राइब कर दीजिए। देन अभी मैंने प्लीट्स बना के बता दिए पल्लू के, अब इसे अच्छे से एक बार सेट कर लेना है पूरी प्लीट्स, और आपको ज़रूरत हो तो आप पिनअप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।